इतना बड़ा दिन है योगा को लेके, आप आपकी मुलाकात या आप योगा में आपकी दिलचस्पी कब से चालू हुई? सबसे पहले मैं आप सभी के दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं योगा एंथुजियास्ट बनी कुछ साल पहले। उस समय योगा ऐप्स और जो अलग अलग वीडियोस आज उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, वो सारे वीडियोस उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। तो ट्रायल एंड एरर के मेथड से मैंने योगा सीखा, खुद की टीचर बनी। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत आसानी से सीख रहे हैं योगा ऐप्स के चलते एंड अलग अलग योग आसनाओं के वीडियोस यूट्यूब पर देखकर। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। मोदी जी के प्रयासों के वजह से आज विश्व भर में योगा प्रसिद्ध होने लगा है। वो इसलिए क्योंकि हम ये जानने और समझने लगे हैं कि योगा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करता है। आज मोदी जी के प्रयासों से योगा विश्व भर में प्रसिद्ध होने लगा है। और वो इसलिए क्योंकि योगा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करता है। इंसान को तनाव से दूर और हिम्मत और हौसले के करीब लेकर जाता है। चलिए, आप शुरू से ही फिट रही हैं। जब इंडस्ट्री में आपका आगमन हुआ था, शुरुआत की दौर की बात करूँ, तब भी आपको वो फिटनेस कहा गया था। क्या फर्क देखती हैं आप जब हम फिटनेस की बात करते हैं? पहले मैं एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। चेन स्मोकिंग करते करते जिमिंग करती थी एंड सोमरस शराब का सेवन भी करती थी। तो तब फिटनेस मेरे लिए एक ट्रेंड जैसा था, लेकिन आज फिटनेस मेरे लिए एक लाइफस्टाइल बन चुका है। आज मैं उन तमाम पदार्थों का सेवन नहीं करना पसंद करती हूँ जो सेहत के लिए हानिकारक होता है, जैसे सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड एक डिसिप्लिन लाइफ जीकर मैंने ये महसूस किया है कि ज़िंदगी असल में बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लिकेट हम करते हैं अपनी ख़राब आदतों के वजह से और अपने जंक थॉट्स के वजह से। तो योगा ने मुझे ये सिखाया कि सरलता में बहुत ताकत होती है, सादगी में बहुत ताकत होती है। एंड यस, मैं चाहूँगी कि योग का ये जो नशा है ये हम पर से कभी ना उतरे। इसे आप सिखाना चाहेंगी? आई हर्ड योर इंटरव्यू व्हाइल यू वर स्पीकिंग, इसे सिखाना चाहेंगी और गिव द रीजन आल्सो। जी, मैं कंगना जी, विद्या बालन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। कंगना जी तो हमेशा से फिट रही हैं, वो खुद योगा करती हैं। रही बात विद्या बालन जी की, तो मैं हाल ही में जब उनकी फ़िल्म शेरनी देख रही थी, मुझे लगा क्यों वो अनफिट लग रही हैं या अनहेल्दी लग रही हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, मेरी उनसे यू नो विनती है कि वो पहले की तरह फ़िट हो जाएं। उनकी जो पहली फ़िल्म थी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें वो बहुत यू नो स्लिम थी। आज पता नहीं क्या हो गया, शायद व्यायाम के लिए उनके पास समय नहीं है। होना चाहिए, निकालना चाहिए समय। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो योगा करें एंड बहुत जल्द पहले की तरह एकदम यू नो फिट एंड हेल्दी लगें। एक्टर ऐसे कई एक्टर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स लेते हैं, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और ये सब करते हुए जिम में जाकर यू नो डोले छोले भी बनाते हैं। तो मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि वो देश के युवा को गुमराह ना करें, ये मैसेज ना दें देश के युवा को कि आप चरस पियो, गांजा पियो और डोले छोले बनाओ। नहीं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि वो प्लीज़ खुलकर ड्रग्स का विरोध करें और
योगा का प्रचार करें एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें. यू नो, वर्कआउट या फिटनेस एक ट्रेंड नहीं होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए. तो ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको मैं योगा सिखाना चाहूँगी, बट नवाज का नाम लिया नवाजुद्दीन जी अच्छे कलाकार हैं, बट उनको देखकर लगता है कि वो हेल्दी नहीं हैं. मतलब शायद खाते पीते नहीं हैं, या शायद यू नो कुछ ऐसी पदार्थों का सेवन करते होंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा. हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. तो मैं ज़रूर उनको योगा सिखाना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि नवाजुद्दीन जी, आप प्लीज़ जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं और यू नो एकदम रफ़ एंड टफ़ लगें. फ़िलहाल ऐसा लगता है कि अगर वो और मैं कुश्ती लड़ें तो मैं उनको आसानी से राउंड वन में गिरा सकती हूँ. ये देख रहे हैं आप सलीम, आपने कहा कि योगा सिर्फ यू नो शारीरिक आपको फिटनेस नहीं देता, मानसिक तनाव. और जिस इंडस्ट्री से आप आती हैं, हमने बहुत से ऐसे दुखद हादसे देखे हैं, सुशांत सिंह राजपूत से लेकर अनगिनत, जो मानसिक तनाव में आके डिसीजन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. दीपिका पादुकोण से लेकर जितने बड़े दिग्गज, उन्होंने भी जिक्र किया है. क्या मानती हैं आप, क्या ये मानती हैं कि अगर इस तरह से मानसिक तनाव भी दूर होता है तो इंडस्ट्री में एक रूल होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो आत्महत्याओं का सिलसिला है वो भी रुके? जी बिल्कुल. मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि जब जब मानसिक तनाव होता है तब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, और कोई मकसद नहीं रहता जीने के लिए. तो इस मानसिक तनाव से हम मुक्ति कैसे पाएं, छुटकारा कैसे पाएं? इसका उपाय बहुत ही आसान है. हम जब योगा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमसे ये कहा जाता है कि इस पल में जियो. कल क्या हुआ था, किसने क्या बोला, कल क्या होने वाला है, कौन क्या करेगा, इन चीज़ों के बारे में मत सोचो. बस इस पल में जियो. और इस पल में जीने के लिए क्या करना पड़ता है? लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है इस पल में जीने के लिए. तो हम जब अब में जीना शुरू करते हैं, नाउ, तो वो नाउ हमारा, वो अब और बेहतर होने लगता है. तो ऐसे स्मॉल 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 मोमेंट्स को हम बेहतर जब बनाएंगे तब हम देखेंगे कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, या पूरा हफ्ता अच्छा जाता है, या पूरा महीना अच्छा जाता है. एंड एकाध बार कभी यू नो हमें मानसिक तनाव महसूस हो, या एकाध बार अगर हम हिम्मत हारते हैं यू नो, तो इसमें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इट्स ओके, दिस टू शैल पास. तो ये हमारा मोटो होना चाहिए. चाहे जो भी संघर्ष हो, अगर हम किसी परीक्षा में फेल होते हैं, या किसी प्रोजेक्ट से हमें निकाला जाता है, या कहीं पर हम रिजेक्शन फेस करते हैं, इन चीज़ों से हम कैसे यू नो कैसे खुद को दूर रखें, यानी इन चीज़ों को फेस करते हुए हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, रिजेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करें, एंड यू नो नेगेटिविटी से कैसे प्रोटेक्ट करें, एंड ये लोग जो हमें जज करते हैं, जजमेंट से कैसे प्रोटेक्ट करें. बस एक ही उपाय है, योगा. अब में जियो, अब में. कैसे? लंबी लंबी सांसें लो, एंड जो योगा पोज है बस उसी पर फोकस करो. क्या करना है, योगा पोज कैसे करना है? तो हम जब योगा पोज पर फोकस करने लगते हैं, हम भूल जाते हैं किसने क्या बोला, क्या किया, और किसने हमें कैसे दुख दिया, किसने यू नो हमारे बारे में क्या स्टेटमेंट दिया. ये सब हम भूलने लगते हैं, हमारे दिमाग से ये सब निकलने लगता है. सो फॉर मी दैट हैज़ रियली हेल्प्ड. क्योंकि देखिए, इस इंडस्ट्री में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारे चेहरे हैं, यू नो जो दिखता है वैसा होता नहीं है. तो ऐसे में हम बैलेंस कैसे ढूंढें, इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढें? बस मेडिटेशन करके और योगा करके. और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के, श्री मोदी जी का मतलब मोदी जी की आभारी हूँ मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने योगा को बहुत बहुत बढ़ावा दिया. आप मुझे बताइए, क्या 7-8 साल पहले योगा इतना प्रसिद्ध हुआ करता था? नहीं.
हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हमेशा से हुआ करते थे और मस्त हुआ करते थे. एंड बॉलीवुड में ड्रग्स पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आज बॉलीवुड उनके रेडार पर है, ठीक है. इसलिए लोग जो कर रहे हैं वो चौकन्ना होकर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द लोग हज़ार बार सोचें ड्रग्स लेने से पहले, एंड बॉलीवुड का अच्छी तरह से स्वच्छ अभियान हो, एंड हम सब का स्वच्छ अभियान हो, हमारी सोच का, हमारे तन का, मन का. एंड इसका एक ही माध्यम है और वो है योगा, क्योंकि योगा हमें हमारा जो हायर कॉन्शियस होता है, कॉन्शियसनेस, उसके करीब लेकर जाता है, ईश्वर के करीब लेकर जाता है. एंड दिस आई से आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि किसी किताब में पढ़कर बोल रही हूँ या किसी ने मुझे बताया तो मैं ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ, नहीं, इट्स आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरा निजी जिंदगी में जो अनुभव रहा है वो मैं व्यक्त कर रही हूँ. आखिरी सवाल, अब कहीं ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है इंडस्ट्री में जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है. जी, अजीब गरीब इंडस्ट्री हमेशा से आप इस बात पे सवाल उठा जी. सुशांत सिंह राजपूत का हमने देखा जिस तरह से उनका जाना हुआ जी. अब कहीं खबरों में ये है कि कई प्रोजेक्ट से कार्तिक आर्यन को निकाल दिया गया जी. क्या आप मानती हैं कि सुशांत के बाद कार्तिक दूसरे शख्स में निशाने पे हैं? मैंने इस विषय पर ट्वीट किया था. मैंने कार्तिक से ये कहा कि लिसन कार्तिक, ईगल हमेशा सोलो फ्लाई करता है, एक झुंड में फ्लाई नहीं करता है ईगल. आप ईगल हो तो आप सोलो फ्लाई करो, आपको किसी माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है. गॉडफादर की ज़रूरत उनको होती है जिनके पास टैलेंट नहीं होता, जिनके पास सिर्फ एक सरनेम होता है, नेपो किड्स, उनको गॉडफादर की ज़रूरत होती है. आप जैसे टैलेंटेड एंड होनहार कलाकार को किसी भी माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के माँ बाप हो. आप प्लीज़ ये बात याद रखें. एंड हम सब आपके साथ हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है. एक फिल्म गई तो दूसरी फिल्म आएगी, ज़िंदगी का दस्तूर है ये. सो डोंट टेक इट पर्सनली एंड डोंट टेक इट टू हार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.